आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरसीसी फ्लैट रूफ। मैंने आपको एक बार रूफ बताई है इसी तरह की, लेकिन उसमें क्या है कि ड्रेनेज जो वर्षा का जल हमारा निकलेगा वो पाइप नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो भी अलग डायग्राम है। पर मैंने इसमें देखो आपकी हॉट बिटुमन यानी इसमें क्या है, मैंने हीट इंसुलेटेड, वाटर प्रूफिंग और वाटर ड्रेनेज तीनों सिस्टम इसमें किया। और पेपर में जो आता है आपका ज़्यादातर इसी तरह का बनाने के लिए आता है। जैसे सरन है आपका, सरन में 2016 का क्वेश्चन है, देखिए ये रहा। आरसीसी समतल छत के माध्यम वाटर प्रूफिंग, जल निकासी और गर्मी इंसुलेशन के विवरण का अनुप्रस्थ काट कीजिए। इंग्लिश बता देता हूँ, इंग्लिश में भी वाटर प्रूफिंग जल निकासी ये हमारा वाटर ड्रेनेज है, और गर्मी इंसुलेशन हॉट इंसुलेटेड ये इंग्लिश में। अब देखो इसको किस तरह बनाना है, ये 2016 का क्वेश्चन है, सरन में क्वेश्चन है। सबसे पहले मतलब चलना वही है जो मैंने आपको पहले फ्लोर उसमें रूफ में बताया है, जिसमें मैंने मड फसका लगाया था साथ में, उसी तरह बनाना। बस इसमें क्या हो जाएगा, ड्रेनेज जो आपका पाइप है वर्षा वाला ये अलग होगा। तो आप सबसे पहले एक दीवार खींचेंगे, 20 सेंटीमीटर की मैंने दीवार ली है, ये 20 सेंटीमीटर की दीवार खींचेंगे आप। स्केल देखो, स्केल बताते हूँ सबसे पहले आपको, स्केल मैंने 1:10 का लिया है, 1:10 का मैंने स्केल लिया है। देखो अब इस पे क्या करना है, दीवार खींचने के बाद में सबसे पहले आप 12 सेंटीमीटर की आरसीसी स्लैब डालोगे। सारे डायमेंशन मैंने इसमें सेंटीमीटर में लिए हैं, क्योंकि क्या होता है कोई एमएम में ले दूं कोई सेंटीमीटर में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए अब मैं हर डायग्राम में जितने फिगर बनाता हूँ या तो माप एमएम, सेंटीमीटर, मीटर एक ही उसमें लेता हूँ मैं। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, पहले बता चुका हूँ इसकी सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो 12 सेंटीमीटर की आरसीसी स्लैब डाली गई है। अब 12 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, इसमें आरसीसी स्लैब डालेंगे, कंक्रीट भर देंगे। इसके बाद में 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमेन, ये आपकी हॉट बिटुमेन होती है एक लाइन डॉटेड होती है आपकी और एक लाइन सॉलिड होती है, ये बहुत ही पतली होती है जो बिटुमेन होती है हमारी, बहुत पतली होती है। आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह ना दिखा के एक सिंपल लाइन भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको समझाने के लिए, एक लाइन डॉटेड एक सॉलिड लाइन, ये आपकी हॉट बिटुमेन है। अगर आप इसी वाली लाइन को जो आपका आरसीसी स्लैब पड़ा हुआ है ऊपर वाली इस लाइन को गाढ़ी कर देते इस तरह की इतना, तो आप इसी पे दिखा सकते थे 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमेन। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए एक डॉटेड इस तरह दिखाते हैं, मैंने समझाने के लिए दिखा दिया, आप इस पे भी दिखा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में लगाते हैं मड फसका। मड फसका हमारा 10 सेंटीमीटर का होता है, 10 का स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर का हमारा मड फसका लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का मड फसका लगाया है। मड फसका लगाने के बाद में क्या होता है, फिर हम ब्रिक टाइल लगाते हैं। ब्रिक टाइल जो लगाते हैं, देखो ये ब्रिक टाइल का माप कितना है, 20 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर। 20 जो है हमारी इतनी दूरी है एक टाइल से दूसरी टाइल तक की दूरी, 20। 10 जो सेंटीमीटर हमारी मोटाई है, मतलब चौड़ाई जिसे कहते हैं, मोटी जो पीछे आएगी इसके, जैसे ये बना हुआ है इसके पीछे जो लंबाई में आएगी हमारी, सॉरी लंबाई होती है 10, इसके पीछे आएगी क्योंकि यहाँ तो हमें दिखे ही नहीं पीछे है 10। ये 3.5 इसकी मोटाई है हमारी, यहाँ से आता 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 3.5 सेंटीमीटर लिया है, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है, 10 का स्केल लिया 2 सेंटीमीटर बचेगा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर आ गया। फिर दो ये मतलब एक टाइल से दूसरी टाइल तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद चलते हैं ऊपर, इस पाइप को भी बाद में बताएंगे, पहले ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी होती है पैरापेट हाइट, ये होती है 90 सेंटीमीटर। आपकी जो पैरापेट हाइट होती है ये 90 सेंटीमीटर होती है, मैंने लिखा भी PH 90 सेंटीमीटर पैरापेट हाइट, आपकी यहाँ से यहाँ तक जो फर्श यहाँ से 90 सेंटीमीटर। ये मैंने कंक्रीट दिखाया है इसमें, यहाँ पे आप इसको नीचे भी दिखा सकते थे, कंक्रीट ये आपकी लास्ट की दीवार है, बहुत देखा होगा आपने इस तरह गोलाकार बना देते हैं छत पे जब लास्ट चलती है, गोलाकार में बना दिया। आप इसी तरह भी दिखा सकते हैं, आप एक लाइन में दिखा सकते थे, आपको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत से क्या होता है अपने ये बाउंड्री एक तरह जो बाउंड्री बोलते हैं पैरापिटाइट, बहुत से ऐसे छोड़ देते हैं प्लस्तर कराने के बाद में, आगे नहीं करते। अब लगाते हैं, देखो ये तो हो गया हमारा मड फसका, ये 2 कोट हॉट बिटुमेन हो गई, हॉट बिटुमेन का हो गया हीट इंसुलेटेड, हीट इंसुलेटेड
इंसुलेटेड जो है यही है मडफस का, हमारे इसीलिए लगाया जाता है वाटर प्रूफिंग। अब आता है हमारा वाटर ड्रेनेज, क्योंकि हमारा नाम देखो, नाम पढ़ो पहले नीचे, RCC फ्लैट रूफ विद हॉट इंसुलेटेड वाटर प्रूफिंग वाटर ड्रेनेज। अब ड्रेनेज लगाते हैं हम, जो हमारा वर्षा का जो जल है किस तरह निकलेगा, यहाँ से आया, आप यहाँ पे डॉटेड लाइन करेंगे, देखो ड्रेनेज पाइप है ये, 10 का इसका डाया 10 है इसका, तो 1 सेंटीमीटर, यानी 10 का डाया 10 सेंटीमीटर, मैं पहले बता चुका हूँ सारी मापे इसमें सेंटीमीटर में है। ये डाया है आपका 1 सेंटीमीटर, यहाँ से ऊपर तक 1 सेंटीमीटर जाओगे ये डॉटेड लोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे जो पाइप है नहीं दिखेगा, ये दीवाल में अंदर आएगा, ये आपकी दीवाल है 20 सेंटीमीटर की, ये आपका दीवाल में अंदर आएगा, क्योंकि आपकी पाइप नहीं दिखेगा, अंदर आने के बाद में यहाँ से आपको पाइप दिखेगा, मैंने बाहर निकाला है यहाँ पे दिखाया है। अब क्या करते हैं बहुत से कि इसको दीवार के अंदर ही लाते हैं, ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं, दिखता नहीं है ये, मैंने यहाँ दिखा रखा है। आप यहाँ पे अपना प्रकार रखेंगे, यहाँ से इधर आएंगे, इसके बाद में नीचे तक आ जाएंगे, ये आपका ड्रेनेज मैंने पाइप लगा दिया 10 टाया का। ये आपको 2016 में भी आया है, और मैंने देखा था 2007 में भी है, 2008 में भी है, मतलब लगभग आता है। और ये क्वेश्चन इसी तरह का आपको अगर रूफ के बारे में आता है, इसी तरह की रूफ बनवाता है ज्यादातर जो अभी तक बनवाई है, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, या कोई स्टेप आपकी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।